पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं पूजा और आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस अधीक्षक गुना एवं उनकी टीम ने किया 12 सदस्य इनामी डकैत गैंग का पर्दाफाश। गौरतलब है कि इस डकैत गैंग ने लूट, डकैती, वाहन चोरी, हेराफेरी जैसी कई वारदातों को दिया अंजाम। पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल सहित अवैध हथियार भी जब्त किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक गुना निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर के कुशल मार्गदर्शन में थाना धरनावदा पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध जारी धरपकड़ में बदमाशों की गैंग को धर दबोचा। इंदौर के खंडवा रोड स्थित शराब दुकान हटाने के लिए क्षेत्रवासियों ने अर्ध नग्न होकर किया प्रदर्शन। बच्चे और बुजुर्ग भी हुए इस मुहिम में शामिल। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शराबियों का आतंक है। आए दिन शराबी कई वारदातों को अंजाम देते हैं। इससे परेशान होकर खंडवा रोड रहवासियों ने प्रदर्शन का नया तरीका निकाल अर्धनग्न होकर शराब दुकान के सामने बैठ दुकान को हटाने की मांग कर नारेबाजी की और रहवासियों ने कहा कि जब तक शराब दुकान नहीं हटेगी हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आबाकारी भाग की लेन देन से यहाँ गली गली बच्चे में शिफ्ट हो गई है। ये दुकान आगे कॉलेज से 500 मीटर दूर थी। अचानक 2 बजे रात को ये कलाली हमारी गली बच्ची गरीब बच्चों को इसमें शिफ्ट कर दी है और नर्मदा रहवासी संघ इसका विरोध करता है और जब तक कलाली नहीं हटेगी हम इसका विरोध करेंगे। कल हमने धरना प्रदर्शन दिया था, आज हमारे क्षेत्र के रहवासी अर्थतंत्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और तथा कल हम ये आबाकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को मिलकर सत्पुत्री यज्ञ भी करेंगे। हे मालिक, इनको सत्पुत्री दे और कहाँ दुकान खोलना है, कहाँ नहीं खोलना, इसकी इनको अकल दे। उज्जैन से भाजपा सांसद चिंतामणि मालवीय कांग्रेस एवं विपक्षी दलों द्वारा संसद ठप करने और जनादेश के विरुद्ध अलोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ गुरुवार को एक दिवसीय धरने पर बैठ कहा कांग्रेस सत्ता जाने के बाद बौखला गई है। संसद सदन में लगातार विरोध कर रही कांग्रेस के खिलाफ गुरुवार को देश भर में भाजपा सांसद धरने पर बैठे। उज्जैन से भाजपा सांसद चिंतामणि मालवीय भी उज्जैन के फ्रीगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा के नीचे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। संसद में करीब 10 कानून पास होने थे जिससे देश का भला होता, लेकिन विरोध के चलते कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस ने संसद सत्र नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब से अपनी नानी के घर से आए हैं लोकतांत्रिक विरोधी काम कर रहे हैं। हम धरने के माध्यम से कांग्रेस को सद्बुद्धि देने का प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी बताएं, आज उपवास पे बैठे हुए क्या कारण है और क्या किस प्रकार से धरना चल रहा है? देखिए, कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई और गई क्योंकि हम सब जानते हैं कि करोड़ों अरबों के भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए और देश ने देखा कि किस तरह एक कुशासन 10 साल से कांग्रेस सरकार ने चलाया। लेकिन जब देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित में काम करना शुरू किया, कई सारी योजनाएं लागू की और देश का जनमानस जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकने लगा तो कांग्रेस को बेचैनी हुई। गुना में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गुना से 10 किलोमीटर दूर ग्राम गौरी चौराल का है, जहां कुछ लुटेरों ने 2 बैंक कर्मियों पर हथियारों से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना गुना से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम गौरी चौराल की है, जहाँ बदमाशों ने कट्टे के बल पर बैंक कर्मी पर हमला कर दिया और उसके पास से मोबाइल सहित कुछ रुपए और बैंक व बाइक की चाबी लेकर फरार हो गए। कुछ दिन पूर्व ऐसी ही एक घटना क्षेत्र में घट चुकी है। ऐसी घटनाएं निश्चित ही पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान उठाती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छोटी शाखा लगती है यहाँ से गुना से, एक उनका जो प्राइवेट चपरासी है और बैंक का कैशियर धर्मेंद्र भार्गव, ये दोनों मोटरसाइकिल से बैंक के लिए जा रहे थे तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर इनको रास्ते में तीन व्यक्ति ने बाइक से इनको। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सोनू रावत। सोनू, क्या घटना हुई है जरा विस्तार में बताइए। हम गुना से 9:45 जा रहे थे ब्रांच खोलने के लिए, तो एक गांव पड़ता है कुंवर छोड़ो, वहाँ पर 3 बदमाश आए, उनने बंदूक का उल्टा कट्टा अड़ाया और मेरे सर में मार दिया।
मैं गाँव से आया था और हमारे केसियर के साथ भी मारपीट की और बैंक की चाबी छुड़ा ले गए और मेरा मोबाइल छुड़ा ले गए, बैग छुड़ा ले गए। कितने लोग थे ये? राजगढ़ विधायक अमर सिंह के किसान यात्रा कार्यक्रम के दौरान बिगड़े बोल, पुलिस एवं नशे में आए युवक को दी खुले मंच से गालियां। राजगढ़ के पबडेल गांव में कल किसान यात्रा के दौरान नशे में आए युवक के साथ पुलिस ने भी खाई राजगढ़ विधायक अमर सिंह की गंदी गालियां। साथ ही विधायक बोले, हमारे शिवराज सिंह और मोदी जी ने बनाया है भारत का संविधान। अवैध बैनर पोस्टर हटाने की मुहिम में नगर निगम इंदौर ने बाणगंगा क्षेत्र में कांग्रेस नेता द्वारा करवाई जा रही भागवत कथा के बैनर पोस्टरों को हटवाया। निगम के इस कार्य के खिलाफ शहर कांग्रेस के नेताओं ने महापौर कक्ष में इंदौर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक में कांग्रेस नेता संजय शुक्ला द्वारा भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। क्षेत्र में लगे कार्यक्रम के बैनर पोस्टर नगर निगम ने हटा दिए। इस पर शहर कांग्रेस नेताओं ने महापौर कक्ष में बैठकर इंदौर नगर निगम व कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की और महापौर कक्ष का घेराव कर प्रतिपक्ष नेता फौजिया शेख आलिम द्वारा अपर आयुक्त लता अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। मॉडर्न साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज के छात्र और स्टाफ उतरे सड़कों पर। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधित जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है कॉलेज। इंदौर के रीगल चौराहे पर महात्मा गांधी प्रतिमा तले कॉलेज प्रशासन और कॉलेज प्रबंधक बदलाने के खिलाफ लगाए हाय हाय के नारे। मामला इंदौर के मॉडर्न कॉलेज का है, जहां विवादों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। शुक्रवार को रीगल चौराहे पर महात्मा गांधी की शरण में कॉलेज विद्यार्थियों और स्टाफ ने कॉलेज प्रशासन व प्रबंधक बदलाने के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों के मुताबिक कॉलेज में पिछले 6 माह से पढ़ाई नहीं हुई है और कई दिनों से कॉलेज के दरवाजे तक नहीं खुले हैं। उन्होंने बताया कि वह मुख्यमंत्री, कलेक्टर, सांसद सहित सभी को समस्या बता चुके हैं। जब किसी ने भी उनकी नहीं सुनी तो सोए प्रशासन को जगाने के लिए चौराहे पर नारेबाजी करनी पड़ी। सवाल सुनिएगा पहले मेरा ना। कॉलेज में पिछले लंबे समय से लगातार विवाद लगातार चला आ रहा है, क्या पूरा मामला है, किससे आप लोगों का विरोध है? हमारा डॉक्टर रमेश बदलानी से मैनेजमेंट से, क्योंकि उन्होंने हमको 14 महीने की सैलरी नहीं दी है और बस। बच्चे भी आपके साथ खड़े हैं इस मामले में? हाँ, खड़े बच्चे। बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? बच्चों की प्रॉब्लम है कि बच्चों का अभी एम सी ए से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है और ढंग से क्लासेस नहीं चल रही है क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। बच्चों को आपने अपने साथ खड़ा किया है, बच्चे खुद अपने साथ? बच्चे अपने आप खुद हुए। क्या है सवाल सर? आप लोग आज यहाँ पर आए हैं तो आपको क्या गारंटी को आप लोग अपनी समस्या सुनाएंगे ना? कोई ये और तो कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट तो चुपचाप बैठा है, सो रहा है। फोर्थ क्लास तक वो सैलरी नहीं दे पा रहा है तो वो हमको क्या देगा? बच्चों की प्रॉब्लम क्या सुनेगा वो? इसलिए आए हैं आज हम यहाँ पर खड़े होने। सुचिता त्रिपाठी। हम कॉलेज प्रशासन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारी जो बेसिक नीड्स है, जो मेडिकल स्टूडेंट की होनी चाहिए, वो पूरी नहीं हो रही है। 6 महीने से हमारी क्लासेस बिल्कुल बंद है, 1 हफ्ते से हमारे कॉलेज का शटर तक नहीं खुला है। ये सब प्रॉब्लम्स के चलते हमने हर जगह मतलब अपील की, हम कलेक्टर गए, हम DMA गए, हम MCA गए, हम भोपाल गए, हम मामा जी के पास गए, हम ताई के पास गए, हमें कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अब हम धरने पर आ गए, हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो इसीलिए आज हम यहाँ घर पर प्रोटेस्ट करने खड़े हैं। समस्या क्या है मुख्यतः आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि जो हमारा कॉलेज है वो 6 महीने से पूर्णतः बंद है। कोई मेडिकल फैकल्टीज नहीं है, प्रैक्टिकल लैब्स नहीं है, क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं लगती, हमारे हॉस्पिटल में ताला लगा है, हमारे शटर खुलता ही नहीं है क्योंकि स्टाफ जो है उनको सैलरी नहीं मिली है। 1-1 साल से 14-14 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली तो वो लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं। पूर्णतः हमारी जो पढ़ाई है वो 6 महीने से एकदम बंद की बंद पड़ी। कौन सा कॉलेज है? कहाँ का? मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कनाडिया। तो ताई के PA भी आप लोगों से मिले थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों? उन्होंने भी वही कहा कि जो आपके कॉलेज की जो मेनली तो फाइनेंस की दिक्कत है तो अगर उनके वो जो भी कर सकते हैं उसमें तो वो करें। CHL हॉस्पिटल से बात करने की बात कही थी तो? हाँ, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं CHL हॉस्पिटल जो है उन लोगों से बात करूँगा, तो अगर हो सकता है तो वो आपके कॉलेज में कुछ इन्वेस्ट कर ले या आपके कॉलेज को टेकओवर कर ले, बस बात हुई थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके कॉलेज की संबद्धता किस महाविद्यालय से है? जबलपुर यूनिवर्सिटी। आपके जो ऑनर हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में?
हमारे ऑनर को कुछ कहना ही नहीं है, मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम दो साल की फीस 10 लाख पर स्टूडेंट, हम 140 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पर स्टूडेंट 10 लाख फीस पे कर चुके हैं। 10 लाख में से वो मतलब हमारे पर के हिसाब से 1 लाख का भी हिसाब देने को हमें रेडी नहीं है। उनकी एक ही दिक्कत है कि बस फाइनेंस नहीं है, मैं करूँगा, बस वो आश्वासन देते हैं। और अगर उससे नहीं हो रहा है तो हमने उनको कहा कि आप सरेंडर करो, तो आप सरेंडर करने को भी वो रेडी नहीं है। मतलब वो है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, ना वो जवाब देना चाहते हैं। बस हमें टाइम मांगते थे, हमें 10 दिन दो 15 दिन दो 10 दिन दो 15 दिन दो, ऐसे करते करते हमारे 6 महीने निकल चुके। 27 करोड़ का क्या मामला है? 27 करोड़ एक्चुअली जो हमारी 2 साल की फीस है, टोटल मिला के हम लोग 27 करोड़ कॉलेज को दे चुके हैं। उसमें से हमें अभी तक एक करोड़ का भी अब तक हमें कोई हिसाब नहीं दिया गया है, ना ही हमारे कॉलेज में हमारे लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया, ना हमारे लैब प्रिपेयर किया। मतलब एक तरीके से जो हमने फीस दी है उसका अब तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। उस दिन आप लोगों ने बदलानी जी से बात की थी कि इसका स्टेटमेंट दिखाने के, क्या उन्होंने कुछ दिखाया? उन्होंने कहा था कि आप चाहे तो आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आए, हम ये सब नहीं करने आए, हम आपसे मोटा मोटा हिसाब बांट रहे। तो आप मुँह से बताओ ना, किस बात का डर है? आप मुँह से बताओ कि मेरे यहाँ लगाया वहाँ लगाया। पर उनके पास अगर रियलिटी पे कोई आंसर है ही नहीं ना, तो वो क्या देंगे? वो यही बोलेंगे कि आप अकाउंट देखो हमारा जाकर। मोनिका गंगवाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं वर्तमान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले गुरुवार को इंदौर प्रवास पर आए। इस दौरान वे भाजपा के उपवास सत्याग्रह में भी शामिल हुए, साथ ही साथ उन्होंने भाजपा को बेकसूर ठहराने के लिए एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की। इंदौर में श्री अठावले संसद सत्र न चलने पर कांग्रेस को दोषी मानते दिखाई दिए। मीडिया से बात करते हुए वे पूरी तरह से एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव के कारण दलितों के द्वारा किए गए भारत बंद के दौरान होने वाली घटनाओं से भाजपा को बचाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह को उन्होंने दलित वर्ग के लिए सक्रिय नेता बताया। गौरतलब है कि सरकार में मंत्री होने के बावजूद श्री अठावले के स्वागत में स्थानीय भाजपा नेता नदारद दिखे। श्री अठावले भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूर्व आयोजन में भी पहुंचे। श्री बालकृष्ण सहकारी साख संस्था के आयोजन में मुस्लिम समाज सेवियों ने भी श्री अठावले का स्वागत किया। मतलब यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो जयंती है, ये 14 अप्रैल को तो होती है, लेकिन उसके 2 दिन पहले इंदौर में हमारे प्रताप भरोसिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, और उन्होंने ये जयंती का समारोह यहाँ रखा गया है। ये हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के जो मेंबर है, हमारे महाराज सदानंद जी ये भी यहाँ मौजूद है, हमारे मोहन पाटिल जी मौजूद है। और आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विचार जो है, ये सभी लोगों को न्याय देने वाला विचार है, सबको साथ सबका विकास करने वाला विचार है, परिवर्तन करने वाला विचार है। और इसीलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज इंदौर में बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर आज मुझे आने का मौका मिला है। यहाँ कुछ लोगों को सोना बांटने का भी प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। इसके साथ साथ जो कोई सफाई मजदूर है उनको कुछ लोन भी बांटने का भी यहाँ प्रोग्राम है। उसी तरह मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ हो रहा है बाबा साहब की जयंती का। और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अधूरा सपना पूरा करने के लिए हम भविष्य में जरूर कोशिश करेंगे। जैसे कि दलित वर्ग जो अभी सरकार के खिलाफ खड़ा है, आप दलित अभी दलित वर्ग सरकार के खिलाफ, सभी दलित वर्ग सरकार के खिलाफ ऐसा नहीं है। बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डायरेक्शन आने के बाद दलित समाज में एट्रोसिटी एक्ट के बारे में थोड़ा रोष पैदा हुआ था, दो लोग रस्ते में उतरे थे। लेकिन सरकार के खिलाफ तो दलित समाज ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दलितों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं अनाउंस कर रहे हैं। इसलिए कुछ दलितों में जो भी 2 तारीख को यहाँ बंद के दौरान जो कुछ हादसा हुआ, 5-6 लोगों की मौत भी हो गई, तो ये हमारे लिए दुख की बात है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ मतलब हमारे दलित समाज के 6 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो है दलितों को न्याय देने के लिए कोशिश करेगी। और जो मतलब यहाँ उनकी जो मौतें हुई है, जिन्होंने फायरिंग किया था, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कोशिश कर रहे हैं, उनकी जांच हो रही है और जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर लाभ कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक
कई लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया था। पुलिस की गिरफ्त में फंसे आरोपी प्रॉफिट गुरु कंपनी के सदस्य हैं। बेहद चालाक या धोखेबाज लोग भोले भाले लोगों को दुगना लाभ दिलाने का लालच देकर उनसे शेयर बाजार में पैसे लगवाते थे और धोखाधड़ी कर उन्हें लूट लेते थे। पकड़ाए आरोपियों में एक महिला भी है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के नाम से धोखाधड़ी करने के नाम पर कुछ कंपनियां बनाकर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की सूचना पर पुलिस क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें सतीश शुक्ला नाम के जो फरियादी हैं उनकी सूचना पर जांच पर एक जांच किया गया, जिसमें आवेदक योगेश दुबे ने बताया कि सतीश शुक्ला नाम का जो व्यक्ति है वो अपना एक प्रॉफिट गुरु नाम से कंपनी बनाकर और लोगों को सोशल एडवाइजरी देके अपनी कंपनी जो फिनोमेटिक कंपनी के नाम से उसने खोला हुआ था उसमें डीमैट अकाउंट अपना खुलवा कर अपने करीब 70-80 लोगों के साथ में नाम बदल कर लोगों को इसकी ओर आकर्षित करके अपने अकाउंट में पैसे डलवाते और उसके बाद उनको सलाह देके शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के देके जब उनको घाटा हो जाता तो कुछ लोग ऑटोमेटिक उस काम को बंद कर देते जो धोखा खा चुके होते। और ये अपना जो 4-5 महीने उनको फ्री सलाह देने के बाद अपना 1 लाख रुपया जो उनसे लेना है वो अपना ये प्राप्त कर लेते और जो पीड़ित व्यक्ति वो ऑटोमेटिक जाके फिर अप्रोच नहीं कर पाता या उसको झांसेबाजी दिया करते थे। इंदौर में हुआ विवेकानंद लाइफ टाइम एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड एवं ज्योतिबा फूले अवार्ड का आयोजन सहयोग अशासकीय विद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में कई गणमान्य जनों को उनके शिक्षा क्षेत्र अभूतपूर्व योगदान के लिए स्वामी विवेकानंद लाइफ टाइम एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड एवं ज्योतिबा फूले अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक सुदर्शन गुप्ता एवं मंत्री दीपक जोशी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।